एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं चने की दाल की बर्फ़ी बना रही हूँ। तो मैंने एक प्याली जो है चने की दाल ली है, इसको मैं भिगो के रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए और बॉईल करके पीस लूँगी। तो मैंने चने की दाल जो है वो पीस ली है और मैंने इसको थोड़ी सी दानेदार पीसी है, क्योंकि बर्फ़ी में जो है थोड़ा सा दाना आता है मुँह में तो अच्छा लगता है। तो मैं एक ट्रे लूँगी, उसके अंदर मैंने हल्का सा घी लगा के और मैंने उसमें ड्राई फ्रूट डाल दी है, जिसमें बारीक खोपरा है और पिस्ते और बादाम है। एक प्याली मैंने घी लिया है, इलायची पाउडर लिया है, चीनी ली है और मैंने जो है 3 से 4 टेबलस्पून जो है ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पैन गरम करने रख दिया था, इसमें मैंने मेल्टेड जो है वो घी डाला है। तो ये हाफ कटोरी जो है वो घी है। घी जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे दाल, और ज़्यादा घी गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल सा। उसके बाद हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर जो है भूनना शुरू करेंगे। तो इसकी भुनाई में लगता है टाइम, तो हम जो है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे और भूनते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि चम्मच अगर हमने छोड़ा तो हमारी दाल जो है वो नीचे से लग जाएगी और इसमें एक स्मेल आ जाएगी जलने की। तो हमें जो है साथ में भूनते भी जाना है और चलाते भी जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अच्छे से हमारी जो है दाल वो भुनना स्टार्ट हो गई है। तो दाल जो है वो हमारी अभी आधी भुनी है, क्योंकि अभी हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो मैंने चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड की है, मेरे पास मोटी चीनी है तो मैंने हाफ कटोरी से कम ली है, क्योंकि हमें इसमें जो है वो ड्राई मिल्क भी डालना है तो वो भी मीठा होता है। तो हम इसको चीनी के साथ अच्छे से और भून लेंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है इलायची पाउडर, तो मैंने 2 पिंच जो है वो इलायची पाउडर डाली है। अच्छे से हम इसको भूनते जाएंगे, चलाते जाएंगे। तो सारा काम जो है वो इसके भूनने का है। तो इसका कलर चेंज हो गया है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने इसमें जो है ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है, जो एक पैकेट आता है चाय वाला वो ही मैंने पूरा डाला है इसमें। तो अच्छे से देखिए हमारा जो है चने की दाल जो है वो भुन गई है। तो अब मैं इसको जो है वो जमा दूंगी। तो पहले से मैंने ट्रे जो है वो ग्रीस करके और ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, मैंने इसमें ट्रांसफ़र करके और अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है हमारी चने की दाल की बर्फ़ी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी बनती है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।